टिकैंड हैबिटेट लेट इस्टार्ट आवर टॉपिक इन जनरल ब्राईफायर्ट डिवेल्प द फॉलोइंग एडोप्टिव करेक्टर्स फॉर क्रिस्टल इन्वायरमेंट क्रिस्टल इन्वायरमेंट जो है वो खुश्क इन्वायरमेंट होता है गर्म मरतूब इन्वायरमेंट होता है तो क्योंकि ब्राईफायरस जो है वो वाटर लविंग है और वाटर के बगैर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते थे सो दैट्स वाई उन्होंने जो है कुछ अडोप्टेशन की और वह अडोप्टेशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कम्पैक्ट मल्टी सेलर प्लांट बॉडी विच है कंजर्वेशन ऑफ वाटर एक्सपोज टू ड्राई लैंड कंडीशन सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि मल्टी सेलर प्लांट बॉडी डिवेलप कर ली ये जब एक सेल से ज्यादा सेल्स से पर वो चले गए मल्टी सेलुलर हो गए तो उन्होंने अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर जो है वो सीख लिया ठीक है बाई रिड्यूसिंग सेल सर्फिस एरिया अब जो सेल का सर्फिस एरिया था वो स्मॉल हो गया बिकॉज वो एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तम है एक्सपोज टू तो ड्राई लैंड कंडीशन तो अब जो है वो अडोप्टेसन उनके लिए ईजी हो गई क्रिस्टल इन्वायरमेंट की खुश्की का जो माहौल था उसकी प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल फर्दर रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाई अवेपोरेशन तो जो प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल है उसने फर्दर रिड्यूस क्या किया लॉस ऑफ वाटर वेपरेशन के थ्रू जो था नेक्स्ट वो कहते हैं कि डिवेलपमेंट ऑफ फोटोसेंथेटिक टिश्यूज इन टू स्पेशल चैम्बर्स डाइऑक्साइड विदाउट लूजिंग मच वाटर एंड एक्सपोजर टू लाइट क्या हुआ कि उनके अंदर एक हो गई फोटोसेंथेटिक टिश्यूज की जो कि स्पेशल चैम्बर्स थे इनका पर्पज क्या था जो फोटोसेंथेटिक टिश्यूज थे इनका पर्पज था कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सॉर्बेशन फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स लाइक राइजाइड फॉर एब्जॉर्बन ऑफ वाटर एंड एनकरेज अब इसे जो है प्लांट बॉडी को जमीन में अपने आप को मजबूती से गाड़े रखने के लिए किसी स्पोर्ट की जरूरत थी तो इन्होंने क्या जो है डिवेल्प किया राइजर्स डिवेल्प कर लिए ठीक है इसका पर्पज़ क्या था कि एक तो इसको मजबूती से गाड़े रखेगा जमीन में और दूसरा इसका जो पर्पज था वो था कि ये जो है वाटर एब्जॉर्बशन के लिए भी हेल्प करेंगे हेड्रोगी प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप ऑफ गेमेट्स इज इवॉल्व फॉर्मिंग नॉन मोटाइल एग कॉन्टेनिंग स्टोर्ड फूड एंड मोटाइल स्पम्प्स अब एक चीज यहां आपको याद रही है कि हेट्रोगेमी जो है वो टू टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हेट्रोगेमी होमोगेमी जो है वो वन काइंड ऑफ स्पोर्ट्स और हेट्रोगेमी क्या है टू काइंड ऑफ स्पोर्ट ठीक है इसमें वो क्या कहते हैं टू काइंड ऑफ स्पोर्ट्स जो है इवाल्व होते हैं फॉर्मिंग नॉन मोटाइल एग नॉन मोटाइल मूवमेंट नहीं कर सकता है के अंदर ठीक है जबकि जो स्प है वो क्या है मोटाइल है मूव कर सकता है नेक्स्ट है आर प्रोड्यूस्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्पेशल मल्टी सेलर ऑर्गन एंथरीडिया एंड आर्चिगोनिया गेमस आर प्रोड्यूस्ड बन गए एंड प्रोटेक्टेड और फिर इनकी हिफाजत की जाती है बाय द स्पेशल मल्टी सेलर ऑर्गन जो स्पेशल मल्टी सेलर ऑर्गन है इन्हें हम क्या बोलते हैं एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया सो so, जब भी क्वेश्चन हो कि मल्टी सेलर ऑर्गन्स जो हैं, वो कौन सी हैं तो यही होगा कि एंथीडिया और आर्चिगोनिया जो कि गैम्यूर्स प्रोड्यूसिंग है मल्टी सेलुलर एम्ब्रियू इज फॉर्म्ड विच इज रिटेन एंड प्रोटेक्टेड इन साइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी ड्यूरिंग योर्स डिवेलपमेंट एम्ब्रय जो प्रोड्यूस हो रहा है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर ही होगा फॉर एडोप्टिंग टू दर्सटाइल ट्रिस्टल कंडीशन अब आप देखें कि इनके पास खुश्की का माहौल अवेलेबल है आपको याद रखना होगा कि ये जो है वो खुश्क माहौल में अपने आप को जो है वो अडोप्ट कर रही है क्रिस्टल इन्वायरमेंट की तरफ आ रही हैं जबकि ये वाटर के बगैर नहीं रह सकते थे इनके अंदर टू जनरेशन जो है वो आल्टरनेटिव होती हैं या स्पोर प्रोड्यूसिंग है और दूसरा है प्रोड्यूसिंग 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 तो स्पोर प्रोडूसिंग प्रोडूसिंग को और गेमेट्स जो है वो स्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं सो ये फेस जो है वो चेंज होती रहती है स्पोरोफाइट के बाद गेमिटोफाइट गेमिटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट दैट्स वाई इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहा जाता है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ठीक है ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री सब डिविजन्स सो ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री सब